हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा टावर वैगन यानी कि DETC या DSTC यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार एंड डीजल हाइड्रोलिक टावर कार के AOH कब होता है, ए चेक कब होता है, बी चेक कब होता है, सी चेक कब होता है, डी चेक कब होता है, AOH कब होता है, POH कब होगा, IOH कब होगा, TXR कब किया जाता है, UST कब होगा, RPM के बारे में, TR4 के बारे में, रिफ्रेशर कब होगा, मेडिकल कब होगा, ये सारे चीज़ पे हम दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टावर वैगन 8 व्हीलर है, ठीक है। टावर वैगन 8 व्हीलर जो हमारा ए चेक जो दोस्तों होता है, ए चेक जो है वह डेली होता है। ए चेक क्या होता है? डेली होता है। बी चेक होता है दोस्तों 3 आवर्स या 6 मंथ में बी चेक होगा। सी चेक 15 आवर्स या 12 मंथ। उसके बाद डी चेक दोस्तों होता है वह 6000 आवर्स या 24 मंथ, जो उसमें पहले आए उसको हम डी चेक कर सकते हैं। एक नया सर्कुलर आया दोस्तों 6000 आवर्स या 36 मंथ, यानी कि 24 मंथ को बढ़ा करके हुआ 36 मंथ किया गया है। यह 2019 का ही है। अब आते हैं दोस्तों AOH। AOH जो दोस्तों होता है, अब इसमें इंजन का जो कि इंजन का जो AOH होता है वह 10000 आवर्स फर्स्ट बार, यानी कि फर्स्ट बार हम इंजन को AOH करेंगे तो उस समय हमको 10000 आवर्स चाहिए, उसके बाद ही AOH होगा। और सेकेंड बार जो AOH करेंगे इंजन का वह 7000 आवर्स, यानी कि 7000 आवर्स जब इंजन का हो जाएगा चला हुआ, तब हम AOH करेंगे इंजन का। टावर वैगन का POH कब होगा? वह 6 ईयर्स यानी कि 6 साल के बाद हम POH करेंगे। उसके बाद नए में 9 ईयर यानी कि 9 ईयर्स कर दिया है, यानी कि और मंथ में आएगा नया में 108 मंथ, ठीक है POH। अब आते हैं IOH। IOH कब होगा दोस्तों? हुआ 3 ईयर्स यानी कि 3 साल में एक बार IOH आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है TXR। TXR दोस्तों मंथली होता है, TXR मंथली होता है। इशू अपडेट यानी कि 30 दिन, जिस डेट से इशू होगा उस डेट से 30 दिन में वैलिडिटी उसका समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपको TXR कराना होगा। UST मतलब होता है दोस्तों, ये ईयरली होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईयरली होता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट, यह जो है UST अल्ट्रासाउंड टेस्ट आपको कराना होगा गाड़ी में, जो कि ईयरली किया जाता है। उसके बाद दोस्तों RPM। RPM जो हमारा, जैसे एक नोज लेते हैं 1 नोज, तो उसमें होता है 700। उसके बाद 8 नोज लीजिएगा, उसमें 1800 RPM होगा, ठीक है RPM। तो वही बोलता है जो RPM जो हमारा है एक नोज से लेकर के 8 नोज हम लोग लेते हैं, जो वह स्पीड, जितना स्पीड में गाड़ी चलेगी उतना आपको नोचअप लेना होगा, उतना गाड़ी स्पीड आपका जाएगा, तो उसको बोलते हैं RPM, ठीक है RPM का फुल फॉर्म है। उसके बाद TR जो हम टावर वैगन चलाते हैं उसको जो उसका जो सर्टिफिकेट रहता है TR4, उसका जो वैलिडिटी रहता है दोस्तों 3 ईयर्स रहता है, ठीक है। उसके बाद जो रिफ्रेशर हम करते हैं, जो रिफ्रेशर होता है दोस्तों वह 3 ईयर में एक बार होता है, ठीक है। और PME दोस्तों होता है 4 साल में एक बार होता है। PME कितना होता है? 4 साल में एक बार होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका जो ईयर्स है वह घटते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 साल में एक बार। AOH जो हमारा टावर का दोस्तों होता है वह 18 मंथ में, और नया में जो AOH टावर का होता है 18 मंथ, ठीक है, और ओल्ड में ईयरली। ये नया वाला है दोस्तों, AOH टावर का दोस्तों 18 मंथ में एक बार होता है, लेकिन ओल्ड में ईयरली होता है, यानी कि साल में, ठीक है। उसके बाद AOH हम तो पहले बता दिए, AOH दोस्तों इंजन का 10000 जब आवर्स आपका चलेगा तब कीजिएगा, उसके बाद और सेकेंड बार 7000 आवर्स में इंजन का कर सकते हैं हम AOH, ठीक है। और ई चेक दोस्तों होता है, ई चेक
वह जो है 9 ईयर्स या 12,000 आवर्स में होता है। ईचेक याद कर लीजिए, ईचेक 9 ईयर्स या 12,000 आवर्स। ठीक है, अब आता है दोस्तों माइनर शेड्यूल और मेजर शेड्यूल। ठीक है, तो माइनर में क्या है और मेजर में क्या है। तो माइनर में दोस्तों डेली, वीकली और मंथली आता है, डेली वीकली और मंथली आता है। उसके बाद मेजर में ईयरली AOH और 36 मंथ IOH, उसके बाद 108 मंथ यानी कि 9 ईयर POH। ठीक है, ये हो गया मेजर, ये आपको कराना ही है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा इंजन है वह जो है NTA 855R 340 HP का होता है, वो 1800 RPM पे चलता है और डीजल इलेक्ट्रिकल टावर कार है। ठीक है, 0 और 1 में 700 RPM होना चाहिए, 2 नोज में 1000, 3 नोज में 1200, 4 नोज में 1300, 5 नोज में 1400, 6 नोज में 1500, 7 नोज में 1650, 8 नोज में 1800 RPM ये होना चाहिए। ठीक, अब देखिए टावर वैगन 8 व्हीलर है। टावर वैगन 8 व्हीलर में दोस्तों जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो हमारा लू ऑयल जो होता है वह एक इंजन में दोस्तों 55+55 बराबर 110 लीटर लगता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है कूलेंट वाटर। जो कूलेंट वाटर दोस्तों एक बार हम ड्रेन करेंगे तो उस समय दोस्तों 225 लीटर लगता है दोस्तों अप्रोक्स। ठीक है, 20 लीटर। उसके बाद हाइड्रोलिक ऑयल आता है। हाइड्रोलिक ऑयल जो है इंजन में एक जो है ना, इस इतना बड़ा आपका टैंक और इधर से एक फिल्टर लगा हुआ रहता है दोस्तों, एक फिल्टर इधर से लगा हुआ रहता है। ऐसा वाला टैंक में दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल आपका 55 से 60 लीटर लगता है हाइड्रोलिक ऑयल। ठीक है, और एक बड़ा सा टैंक है, इसमें 2 टाइप का आया दोस्तों, ये बड़ा सा टैंक है, इसी में दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल का फिल्टर लगा हुआ है, बाहर से नहीं, इसी के अंदर में। तो इसमें दोस्तों लगता है अप्रोक्स आपको बड़ा वाला में 240 से 260 लीटर लगेगा हाइड्रोलिक ऑयल। अब आता है डीजी सेट में दोस्तों लू ऑयल जो लगता है दोस्तों, जो इंजन का जो है डीजी सेट का, उसमें लगता है दोस्तों 7 से 8 लीटर लगता है दोस्तों। ये हो गया बहुत इम्पोर्टेंट चीज, ये टावर वैगन का ये सब चीज़ आपका लगेगा इसमें। ठीक है, अब रही बात दोस्तों फ्यूल ऑयल टैंक का कैपेसिटी दोस्तों 1400 लीटर का है, मिनिमम 400 लीटर पे टॉपअप कराना होगा दोस्तों। अब रही दोस्तों बात टावर वैगन की लंबाई, जो हमारा टावर वैगन जो है इसकी लंबाई दोस्तों 21027 mm है बिना बफर का। ठीक है, अब आता है बफर के साथ mm बफर के साथ इसकी लंबाई, टावर वैगन की जो लंबाई है, जो लंबाई है दोस्तों बिना बफर का इतना mm और इसका बिना बफर के इतना mm। ठीक है, लंबाई। अब आते हैं चौड़ाई, चौड़ाई दोस्तों है 3245 mm चौड़ाई है। ठीक है, और ऊंचाई दोस्तों हो जाता है 483 mm ऊंचाई। ठीक है, और इसका भार की क्षमता दोस्तों है, भार की वहन क्षमता दोस्तों 67
टन, ठीक है, 67 टन, उसके बाद और 150 टन जो है लोड कर सकते हैं इसमें। और उसका व्हील डाया जो है डाया जो है 952 mm है नया का दोस्तों, ठीक है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों।